तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो हमारे पास पहुंचे हैं और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों डिस्कस किए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आने वाली चैप्टरों में सेम टू सेम क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो यदि आप चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट पर जाते हैं तो प्रत्येक टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक पर आपको अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी। तो आप चैनल पर विजिट करके एक बार सभी वीडियोज को देखें और आप तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं उन वीडियो के माध्यम से। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ में, और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है दामोदर सरोवर डैम किस राज्य से संबंधित है। दामोदर सरोवर डैम किस राज्य से संबंधित है। दामोदर जो नदी है ये दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है यहां से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी, ठीक है, और ये संबंधित है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से। दामोदर सरोवर डैम किससे संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आंगनबाड़ी वर्कर के किस आंगनबाड़ी जो वर्कर होती है किस विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं, किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो आंगनबाड़ी जो वर्कर है दोस्तों ये महिला एवं बाल विभाग मंत्रालय के बाल विकास विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है आंगनवाड़ी वर्कर। जो आंगनवाड़ी में जो खर्चा होता है जो बजट होता है इसका 90% जो बजट होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा और 10% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया स्पेस में कचरा के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था। जो स्पेस में जो कुछ भी है जैसे सैटेलाइट भेजी जाती है स्पेस में या फिर कोई सैटेलाइट है उसका वेस्ट मटेरियल होता है जो कचरा फैलाया जाता है अंतरिक्ष में, ये कचरे के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन एक पूछा यहाँ पर गया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट जो कि भारत का प्रथम स्वदेशी सैटेलाइट था ये कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को, कब 19 अप्रैल 1975 को, किसके द्वारा, तो सोवियत संघ के द्वारा। ये भारत का उपग्रह था लेकिन सोवियत संघ के रूस की मदद से इसे हमने लॉन्च किया था और ये रूस से ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बांगर खादर किस किस्म की मिट्टियां होती हैं। जो बांगर मिट्टी होती है खादर मिट्टी होती है किस किस्म की मिट्टियां होती हैं, तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी होती हैं, ठीक है। जल में जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें जीवाश्म की कमी होती है, ह्यूमस कम पाया जाता है और ये बांगर खादर मिट्टियां होती हैं। अगला जो प्रश्न है ये आईपीएल से पूछा गया और आईपीएल से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2008 किस टीम ने जीता था। आईपीएल 2008 किस टीम ने जीता था। 2008 का जो सीजन रहा था ये पहला सीजन था आईपीएल का, फर्स्ट आईपीएल 2008 से शुरुआत हुई थी, ठीक। किसने जीती थी, तो राजस्थान रॉयल्स ने ये आईपीएल जीता था 2008 का, ठीक। किसे हराकर, तो चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके चेन्नई सुपर किंग को हराकर 2008 का आईपीएल राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और 2020-2021 का जो आईपीएल रहा है 2021 का ये किसने जीता है, तो ये दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ये भी याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रश्न कुईपर बेल्ट ग्रहों, जो कुईपर बेल्ट है ये किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, ठीक है। तो ये किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के छोटे रोबोट हेलीकॉप्टर, नासा का छोटा रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी, ठीक है, इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर उड़ान भरी। तो इसने किस ग्रह पर उड़ान भरी, तो दोस्तों मंगल ग्रह पर उड़ान भरी थी, ठीक है। नासा का ये छोटा एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम है इंजेन्यूटी, इसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है बाल कब मनाया जाता है, बाल दिवस, ठीक है, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। तो चिल्ड्रंस डे दोस्तों मनाया जाता है 14 नवंबर को, कब 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। किसके जन्मदिन पर, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा इन्हें लगाव था, बच्चों से बहुत ज़्यादा ये प्रेम करते थे, इसीलिए इनके जन्मदिवस पर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्शन
एक्ट कब लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था, तो 1972 में ये एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट, नीम का साइंटिफिक नाम क्या है, नीम का साइंटिफिक नाम पूछा गया था, तो नीम का साइंटिफिक जो नाम हो जाता है अजाडिरेक्टा इंडिका, ठीक है, अजाडिरेक्टा इंडिका, ये नीम का साइंटिफिक नाम है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी, फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना कब हुई थी, तो 13 जुलाई को, कब दोस्तों, 13 जुलाई को 1930 में, 13 जुलाई को 1930 में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फीफा का जो फुल फॉर्म है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, FIFA, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदौर में पारसी स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी चूहे शेर, पक्षी चूहा और शेर का घर क्रमानुसार क्या होगा, पक्षी चूहा और शेर का घर क्रमानुसार क्या होगा। देखिए, पक्षी किस में रहता है, घोंसला में रहेगा, चूहा बिल में रहेगा और शेर कहां पर, गुफा में रहेगा, तो क्रमानुसार ये जो हो जाएगा, क्रम हो जाएगा उनके आवास का, उनके जो है रहने का, ठीक है। तो घोंसला, बिल, गुफा, इस प्रकार से चार ऑप्शन आपके दिए होंगे जिसमें से घोंसला, बिल, गुफा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैनीमेड चंद्रमा किस से संबंधित, चंद्रमा या फिर उपग्रह सैटेलाइट, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह के पास अपने अपने उपग्रह हैं, उनके अपने अपने चंद्रमा हैं। तो देखिए, गैनीमेड चंद्रमा किस ग्रह से संबंधित दोस्तों, ये बृहस्पति से संबंधित, किससे, बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति का ये सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है, बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों बृहस्पति के कुल कितने, 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास दोस्तों दो उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है दोस्तों, शनि के पास, किसके, शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह 82 उपग्रह हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट, सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह कैसे ग्रह के हैं, तो शनि के हैं 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, अगर बच्चा फिजिकल स्थिति में सही नहीं है तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ट्रायल एवं एरर सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, कविता के लेखक, हिंदी में पूछा गया था, कविता दी हुई थी उसके लेखक, ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सेप्टरों से, कविता और उसका लेखक पूछा जा रहा है। प्याजे का सिद्धांत पूछा गया था, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यहां से क्वेश्चन बना था। मोंटेसरी पद्धति पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था, कोहलबर्ग थ्योरी पर एक प्रश्न, इसके निष्कर्ष निकलता है, इस पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र हिंदी से, हिंदी से, हिंदी में इसके अलावा तत्सम, तद्भव, संधि, समास, अलंकार आदि से क्वेश्चन आपके रेगुलर आने वाली शिफ्टों में बन रहे हैं और पिछली शिफ्टों में भी बन चुके हैं, तो ठीक है। हिंदी से जो भी आपके व्याकरण है वो वहां से आपको पढ़ के जाना है। अगला जो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है फिर से एनवायरमेंट से, देखिएगा, बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1934 में बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ग्रह जिन पर स्थल है, कितने ग्रह हैं ऐसे जिन पर स्थल पाया जाता है, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ये 3 ग्रह हैं जिन पर स्थल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 सितंबर को, कब दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मिट्टी में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, मिट्टी में बहुत सारे खनिज नहीं पाए जाते हैं वैसे तो यहां पर, ठीक है, नहीं पाया जाता, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया अपने पास। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो एशिया का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी डैम है, टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है, 260 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है, टिहरी बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा है, GSLV Mark 3, ठीक है, GSLV Mark 3, इसी GSLV Mark 3 के जरिए भारत ने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था, ठीक है। GSLV Mark 3 सबसे शक्तिशाली जो है प्रक्षेपण यान है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा गति
सबसे ज्यादा प्रति ग्राम कैलोरी किसमें मिलती है? सबसे ज्यादा प्रति ग्राम कैलोरी किसमें मिलती है? तो ये दोस्तों बसा में सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है, ठीक है। तो बसा में सबसे ज्यादा प्रति ग्राम कैलोरी मिलती है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जो 1 सितंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।